हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप भी चाहते हैं इस टाइप का 3D टेस्ट अपने रेजुलम के अंदर, तो आप बहुत सही जगह पे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत से, मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको 3D में बना सकते हैं, सिंपल स्लाइड्स और इस टाइप से। तो बने रहें वीडियो में और देखें किस टाइप से हम लोग इनको इस टाइप से एक नॉर्मल टेस्ट को 3D में बना सकते हैं। तो जो वीडियो को नया देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल बताऊंगा चाहूंगा, जैसे ये बाउंस का है तो ये इसको कैसे बना सकते हैं, और दूसरा कोई और इफेक्ट है तो उसको कैसे हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। और एंड में आपको अब बताऊंगा कि एक वेबसाइट से, जहां से ये जो इसके प्लगइन्स है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो में, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये इंटरफेस आ गया है इस टाइप से। तो पहले तो मैं आपको ये सिंपली से ये बताता हूँ कि जैसे बाउंस का आपने किया, तो बाउंस में आपने सिंपल एक टेस्ट एनिमेटर रखना है, और यहाँ से आप चेक करें सिंपल सा कुछ सेटिंग्स हैं। आप इस वीडियोस में इसको पॉज करके इस सेटिंग्स को बराबर बराबर तरीके से कर सकते हैं। तो करेंगे तो आपका बिल्कुल सिंपल सा एक इफेक्ट इस टाइप से बन के आ जाएगा। पहली बात तो आपके लिए ये है, ठीक है? तो आप एक सिंपल सा ध्यान रहे कि इस सेटिंग्स को आप पूरा प्रॉपर तरीके से देख लें। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से करता हूँ, तो इन सेटिंग्स को आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें, ठीक है, कि इसमें क्या है और क्या इसमें क्या सेटिंग्स करनी होती है और कौन सा हम लोग इफेक्ट इसमें यूज करते हैं। तो ये सब सेटिंग्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। एक तो आपका ये हो गया, और दूसरा मैं आपको एक टेक्स्ट एनिमेशन टोटल अपना बना के दिखाता हूँ कि हम लोग ने ये कैसे बना सकते हैं। कोई भी आप जैसे फ्लिकर वाला ले, या इनमें से यहाँ पर आप टेक्स्ट एनिमेशन में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे मैं ये फिर फ्लिकर वाला को यूज करता हूँ, मैं इसको कर दिया बंद। तो इस टाइप से मैंने ये टेस्ट ले लिया, देन इसको मैं कुछ भी नेम देता हूँ, जैसे VFX किया, और इसका कलर हमने चेंज कर दिया यहाँ से कुछ इस टाइप से, राइट। एंड उसके बाद इसका साइज को इंक्रीज करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट जो होता है इसका सेंटर में करते हैं इसे, देन उसके बाद यहाँ पर इसकी पोजीशंस को हम लोग कुछ बढ़ा देते हैं इस टाइप से। ये क्या है, एक फाउंड और दूसरे फाउंड के बीच के अंदर जो गैप है वो है, तो इस टाइप से हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, राइट। और ये आउटलाइन का काम है, ये हम लोग बाद में देखते हैं। और इसके जो एनिमेशन को एक बार मैं फिलहाल के लिए बंद करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारी यहाँ टेस्ट की सेटिंग्स हो गई है, ये सभी कुछ, ठीक। यहाँ पर आप फ्रंट को एरियल, फॉन्ट को एरियल ब्लैक, स्टाइल को रेगुलर, इसके कलर को आप चाहें तो कुछ कलर चेंज भी कर सकते हैं इसमें, और ये दोनों आपने सेंटर में रखने हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ इफेक्ट एंड, और यहाँ से मैं लाइनर क्लोनर को लेता हूँ और सिंपली यहाँ ड्रैग करता हूँ इस इफेक्ट के ऊपर इस टाइप से। तो मैंने इसे किया, और इसकी जो मैं यहाँ से कम करता हूँ, और यहाँ जो क्लोनर है वो मैं कर देता हूँ 50। एंड टेल्स, टेल्स का मतलब है कि कितना इसको देखिए, जितना इसकी कॉपीज बनाना चाहेंगे उतनी बन जाएगी, लेकिन मैं फिलहाल के लिए एक चलता हूँ, ठीक है। टेल लेंथ को हम लोग अभी रहने देते हैं कम, और स्टार्ट स्केल्स हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 100, ठीक है, और इस टाइप से। और देन उसके बाद हमारा
एंड स्केल जो है यहाँ से हम लोग टाइम लाइन्स लगाते हैं और यहाँ से हम लोग एंड स्केल से देन उसके बाद हमारा आता है रोटेशंस। रोटेशंस को तो 0 रखें एंड इसे हम लोग करते हैं 100 एंड इसको करते हैं 0, राइट। तो हमारा कुछ इफेक्ट इस टाइप से यहाँ पर सामने आ गया है, ये देखिए चेक करेंगे। अब इसकी बात आती है कि यहाँ से हम लोग एनिमेशन करते हैं इसको। अब यहाँ से एनिमेशन के बाद में आप यहाँ से कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे ट्रेल रोटेशंस की, ये तो 0 ही रहने दें तो ठीक है, और यहाँ से इस चीज की, ठीक है, और यहाँ उसके बाद में स्पीड कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं इसकी, और उसके बाद आप इसकी रोटेशंस को तो 0 ही रहने दें, इसकी रोटेशंस को हम लोग 0 ही रखेंगे, और टेल लेंथ को आप जितना कम ज्यादा करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, और ये तो सेंटर में ही रहेगा 0, ओके, ठीक है। इस टाइप से आप एक 3D इफेक्ट बना लेंगे। देन उसके बाद बात आती है आउटलाइन की। आउटलाइन में अगर आपको कुछ यही कलर देना है तो ठीक है, अगर आपको इसको कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं, और इसकी यहाँ से आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं इस टाइप से, और इसके ग्लो को भी आप इस टाइप से कर सकते हैं, आपको डिपेंड करता है कि आपने कितना रखना है इसको उस हिसाब से, और इस टाइप से इसके यहाँ एनिमेशंस में आते हैं। एनिमेशंस में आते हैं तो एनिमेशंस में लाइंस का व्यू आता है और वर्ड्स का भी आता है एंड करेक्टर्स का भी आता है, तो आप उस तरीके से जिसको जो आपको सही लगे वो और चेक कर सकते हैं यहाँ से। स्पीड आपसे यहाँ से इसकी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको स्पीड फास्ट चाहिए इस टाइप से फ्लिकर में या स्लो चाहिए, ठीक है, और डिस्टेंस तो आपको मैंने पहले ही बताया कि डिस्टेंस भी इसको यहाँ से आप इसका देख सकते हैं, और स्केलिंग आप इस स्केलिंग से यहाँ से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने एक नॉर्मल से इफेक्ट को एक 3D में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ से इसके जो सोर्स में काफी जो आ रहे हैं, जैसे ये हो गया, तो अगर आप इसको लेना चाहें तो इसको भी आप इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं, मतलब जो इफेक्ट आप यूज करेंगे, जो प्लगइन आप यूज करेंगे वही आप इसको, जैसे ये मैंने VFX का बनाया है तो इसमें आप जो प्लगइन यूज करना चाहें वही कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे जिस टाइप का आपको टेस्ट का एनिमेशन चाहिए उस टाइप से आप इसको टेस्ट को बना सकते हैं, सिंपली तरीके से बनाया। और यहाँ से अगर मान लो इसकी बात करें तो इसमें भी आपको वही सेम देखेंगे, आप इसको बॉर्डर बना सकते हैं, मतलब आउटलाइन दे सकते हैं इसको, और आउटलाइन का कलर जो चाहे आप चेंज करें, जैसे येलो किया या ब्लू किया या रेड किया, और उसके बाद आपके पास जैसे ये वीडियोस है तो अगर इसका अगर आपको बनाना है तो आप इस टाइप से इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं इस टाइप से कि इसमें क्या सेटिंग्स की हुई है, और उस हिसाब से आप हर टेस्ट की अलग अलग सेटिंग्स हैं और आपने उस सेटिंग्स को अप्लाई करना है, एंड सिंपली लाइनर क्लोनर तो आपने यूज करना ही है। अगर ये यूज करेंगे देन तभी आपका मैक्सिमम आपकी यही सेटिंग्स होती है, तो अगर आप ये सेटिंग्स यूज करेंगे देन आप किसी भी तरीके का टेस्ट फिट 3D में बना सकते हैं। तो बात करते हैं इसको परचेज करने की, तो आप मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस टाइप से इनको परचेज कर सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं इनको, तो इसमें काफी बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं जो आप उनको एडिट करके आप जो भी टेस्ट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो लिंक इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर है और वहां से आप बाय करें और अपने जो टेस्ट इफेक्ट को वो और भी ज्यादा
3D बनाएं और उसका लुक जो है वो बहुत से नॉर्मल से बहुत अच्छा चेंज करें, ठीक है। तो उसको नाइस बनाएं एंड बाकी आप इसमें देख ही रहे हैं, तो इस टाइप से आप इनको बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।